हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम विवेक मिश्रा, आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनली रूप से लिगेंड के बारे में। लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, लिगेंड के टाइप्स पढ़ेंगे। आज का हमारा पूरा टॉपिक रहेगा लिगेंड। तो चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आप लोग, हम ये उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लिगेंड। लिगेंड पहले कहते किसे हैं, पहले हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। द आयन ग्रुप, चाहे आयन कहें चाहे ग्रुप कहें, अथवा मॉलिक्यूल। Which are attached to the central metal atom एटम कहिए या फिर आयन कहिए, सेम चीज, या फिर आयन। सेंट्रल मेटल एटम थ्रो ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, थ्रो ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? वे ग्रुप, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जो कि सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे हमने आपको बताया था सेंट्रल मेटल एटम के लिए कि यही तो था, Fe Cn का होल सिक्स, तो इसमें Fe कैसे जुड़ता था? कुछ इस प्रकार, Cn जुड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लिगेंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड। यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे लिखते हैं। लिगेंड डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल। मतलब जो लिगेंड होते हैं वे अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे देते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को। जरूर नहीं है एक ही लोन पेयर दे। अभी हम तो पढ़ेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, बहुत प्रकार के लिगेंड पढ़ने वाले हैं। तो ये मतलब यही बताएंगे कि लिगेंड वो होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं और अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। नोट कर लीजिए इतना। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिगेंड। निम्नवत प्रकार के होते हैं लिगेंड, कौन कौन से? फर्स्ट डालेंगे, पहली वेडिंग डालेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड को और क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड और यूनिडेंटेड लिगेंड दोनों को एक ही बोलते हैं, ठीक। मोनोडेंटेड लिगेंड कहिए या फिर यूनिडेंटेड।
अब हम पहले समझा देना चाहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो अपना वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सिर्फ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक, देखेंगे द लिगेंड विच है विच है लिखिए या फिर विच डोनेट लिखिए, चाहे जो लिखिए, मतलब जिसके पास एक डोनर एटम होते हैं या फिर हम बताएंगे कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, द लिगेंड विच डोनेट लिख लीजिए, विच कैन डोनेट मल्ली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्ली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसको त्यागते हैं मल्ली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू सेंट्रल एटम, टू सेंट्रल एटम। चलिए देखते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम अर्थात किसको त्यागते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को, जो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेट आर यूनिडेंटेट लिगेंड, आर कार्ड मोनोडेंटेट आर यूनिडेंटेट। ये क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं, और ये तीन प्रकार के होते हैं, इट्स फॉलोइंग थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड। फर्स्ट लिख लेंगे पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड, सेकंड हमारा आता है नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड, और हमारा थर्ड आता है न्यूट्रल, जिस पर कोई आवेश न हो। मोनोडेंटेट लिगेंड में क्या, अभी सभी के एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट। न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड में जैसे हमने आपको बताया पहले भी, NH3 होता है, इसमें कोई आवेश होता है नहीं, बट ये वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है काम। और कौन सा होता है, NH3 हो गया, मान लीजिए आपका इक्वा हो गया, जिसे हम H2O भी बोलते हैं, इक्वा, इसे एमीन बोलते हैं, इक्वा हो गया, ETC दो बहुत है एग्जांपल आपका। कार्बोनिल ले लीजिए, थायो कार्बोनिल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए कार्बोनिल, इन्हें नोट कर लीजिए। तो हम इसके जो पॉइंट वाइज जो लिखवाए हैं इसके तीनों प्रकार हम ऊपर लिखवा दें बढ़िया से, नोट कर लिए। चलिए हमने लिख दिया इसमें पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड, नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड और न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। पॉजिटिव क्या होते हैं कि जिस पर प्लस आवेश है, जिस लिगेंड पर प्लस आवेश, जिसे हमारा नाइट्रोसिलियम होता है और हमारा हाइड्रोजीनियम जिसका फॉर्मूला होता है NH2NH3+, ये हमारे पॉजिटिव डेंटेड लिगेंड में आते हैं मोनोडेंटेड। बट नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड में जिस पर माइनस चार्ज होता है, आपको बहुत मिला होगा नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड, जैसे हो गया CH3COOO-, जिसे हम ACT2 बोलते हैं, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयडो, साइनो, थायसाइनो, साइनेटो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, मतलब ONO-,
और हाइड्रॉक्सो OH से बहुत मिलेंगे आपको। उसी प्रकार न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड भी आपको देख सकते हैं, जैसे जो न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जैसे हमारे कंपाउंड बन गए, कोई भी कंपाउंड होता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड का काम करता है। कौन सा? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि किसी भी न्यूट्रल किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जीरो होता है। H2O का इक्वल बोलते हैं इसे। NH3 को एमीन बोलते हैं। ऐसे कार्बोनिल, था कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, था नाइट्रोसिल जैसे भी देखते हैं, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे आते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? हमने पढ़ा मोनोडेंटेट लिगेंड विच हैव वन डोनर एटम, इसमें क्या होता है, विच आयन हैव लिख लीजिए, या फिर मॉलिक्यूल लिख लीजिए, हैव टू डोनर एटम। जिसके टू डोनर एटम होते हैं क्या कहलाते हैं, या सो नोन एज बाइडेंटेट लिगेंड। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये जो लिगेंड होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिक एक अनसिमेट्रिक। इसको नोट कीजिए तो हम बताएं सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक क्या है। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड। इसकी फर्स्ट हमारी बाइडेंटेट लिगेंड के भाग है सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिसमें कोऑर्डिनेटिक जो होते हैं, कोऑर्डिनेटिक एटम जो होते हैं वह सेम होते हैं। लिखेंगे इन दिस लिगेंड द कोऑर्डिनेटिक एटम आर सेम। इसमें जो लिगेंड में जो कोऑर्डिनेटिंग एटम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। फॉर एग्जाम्पल हम आपको लिख देना चाहेंगे इथिलीन डाइमीन CH2NH2 फॉर एग्जाम्पल है, इजी मतलब फॉर एग्जाम्पल एथिलीन डाइमीन, इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइमीन लिख लेंगे। एथिलीन डाइमीन को और क्या बोलते हैं, ईएन कह सकते हैं, जहां भी आप देखेंगे एथिलीन डाइमीन ईएन के रूप में लिखा रहेगा। एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, कौन सा, ऑक्सैलेटो। कौन सा? ऑक्सैलेटो क्या होता है, COO- एंड COO-, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सैलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्सैलेटो। इसका अगर दूसरा रूप देखना चाहे किस प्रकार ये लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, ये डबल बॉन्ड से एक बार ओ जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से। अब इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलेटो। देख रहे हैं यहाँ पर इथिलीन डाइमीन में भी और ऑक्सैलेटो में भी सेम है। यहाँ पर देखिए CH2NH2 CH2NH2 इट कह रहा है दिस लिगेंड इन विच कोऑर्डिनेटिक एटम आर सेम। इसमें भी देखिए सेम है, ओ यहाँ भी है, अर्थात कोऑर्डिनेटिक जो एटम होते हैं वे सेम होते हैं। नोट कर लिए, ये नोट कर लिए, मिटा दिए जाए।
हाँ, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट एज ए, इसे ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब हम लिखेंगे आंसर मैट्रिक्स बी वाला। अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, इन दिस लिगेंड द कोऑर्डिनेटिक एटम्स आर नॉट सेम। और रिप्रेजेंट एज ए बी, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? ए बी के द्वारा। क्लियर? मतलब इसके कहने का यही मतलब है कि जो अनसिमेट्रिक होते हैं उसमें जो कोऑर्डिनेटिंग एटम होते हैं वे सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए ले लीजिए ग्लाइसाइनेटो CH2 NH2 COO-, या फिर इस प्रकार लिख दीजिए COO-। इसका नाम होता है ग्लाइसाइनेटो। क्या होता है? अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं इसके जो कोऑर्डिनेटिंग एटम हैं वो सेम नहीं है। नोट कर लिए। बहुत अच्छा। तो इस वीडियो में एक लिगेंड के बारे में हम और चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको हम अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट भाग को हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए तब तक के आने का। एक और इसमें हेडिंग लिख लेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड, थर्ड है हमारा ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड इसमें क्या जानते हैं? द लिगेंड, सेम चीज, विच है उसमें टू डोनर एटम था, किसमें? बाइडेंटेट में। इसमें क्या है? द लिगेंड विच हैव थ्री डोनर एटम। थ्री डोनर एटम आर कार्ड ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या देखेंगे? ट्राइएमीन प्रोपीन देख लीजिए, ट्राइएमीन प्रोपेन। क्या होता है इसका फार्मूला? CH2 CH and CH2। क्या जोड़ देते हैं इसमें? NH2 NH2 NH2। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है ट्राइएमीन प्रोपीन। इसमें देख रहे हैं तीन डेंटेट लिगेंड है, किस पर? इस पर, एक है, एक इस पर है, एक इस पर, था तीन डेंटेट लिगेंड। और एक देख सकते हैं हम, टेरीपाइराइडो। आप ट्राइपाइराइड को ही देख लीजिए, ट्राइपाइराइड का फॉर्मूला जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, यहां बना देते हैं जगह कम पड़ेगी। यही होता है ट्राइपाइराइड, और ये हमारा लगा होता है, ये होता है फार्मूला
ट्राई पाई जाए। तो इसमें क्या होते हैं, वन डोनर आइटम, वन डोनर आइटम और वन डोनर आइटम यहाँ पे लगा रहता है, तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड कहलाता है। तो आने वाली वीडियो में हम टेट्राडेंटेट लिगेंड के बारे में, पॉली बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो भी लिगेंड रहेगा अगली वाली वीडियो में कवर कर देंगे हम। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।